सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। आज की मैं आपको इस वाले वीडियो बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप एक नया सिम कार्ड अब खरीदेंगे तो आपके सामने पुलिस वेरिफिकेशन क्यों कराया जाएगा, या फिर क्या मतलब गाइडलाइंस है इंडिया की, या फिर कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आपने पालन नहीं करा तो आपके ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके इंडियन के जो मतलब कि इंडिया के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो बता रहे हैं, या फिर जो नई गाइडलाइंस आई हैं आपके जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। और आपको मैं इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप एक नया सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाएं, उसके बाद में सिम कार्ड लेने जाएं, ना तो भैया 10 लाख का जुर्माना देकर आएँ, ठीक है। तो ऐसी बातें आपको हम इस वाले वीडियो में बता रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर पहले देखा होगा, जैसे कि आपने अभी जो पहले आप सिम कार्ड लेते होंगे तो मतलब आप मतलब आधार कार्ड लेके गए, जैसे भैया आपने मतलब आधार कार्ड लेके गए और मतलब आपका जो सिम कार्ड मतलब कि जो आपने कहीं से भी लिया, चाहे भाई दुकानदार से लिया, जो दुकानदार आपके सिम कार्ड बेचते हैं वहाँ से लिया, या फिर आपने रोड साइड से लिया, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि जो लोग छाता लगाए रहते हैं ना, छाता लगाए रहते हैं और सिम कार्ड बेचते रहते हैं, लिख देते हैं बड़ा बड़ा, भैया फ्री सिम कार्ड ले जाएं, हैं इस तरीके से जो कुछ बातें लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, रूल में थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा मतलब चेंज हुआ है, अगर नया सिम कार्ड लोगे तुम तो, ठीक है। अब देखिए, ये चेंज इसलिए हुआ है, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी इस चीज़ से मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलेगा, ठीक है। मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा और आपको कम से कम 3 अपडेट यहाँ पे देने वाला हूँ, नया सिम कार्ड तुम लेने जा रहे हो या फिर तुम ले चुके हो या फिर तुम लेने वाले हो, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अगर जानते हैं आपके सामने, जैसे कि आप लोग भी मतलब जानते होंगे सीधी बात, जैसे कि मतलब आप किसी दुकान पे गए सिम कार्ड लेने के लिए, वहाँ आपने अपना आधार कार्ड दिया, आइडेंटिटी जो भी मतलब आपका जो आइडेंटिटी जो आप देते हैं सीधी बात, वहाँ पे जो आप जो दुकानदार को देते हैं तो भैया आपको वो सिम कार्ड दे देता है, आपका अंगूठा लगा देता है और भैया आपका सिम कार्ड एक्टिवेट कर देता है, तुमको दे देता है। लेकिन कुछ जो होते हैं, देख कुछ जो ऐसे जो दुकानदार होते हैं, कुछ ऐसे जो रोड साइड के जो लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अम्ब्रेला जो कि आप कुछ जो छाता लगाए रहते हैं, सीधी बात है BI वाले हों, एयरटेल वाले हों, जियो वाले हों, चाहे दुकानदार कोई सिम कार्ड दे जियो एयरटेल BI कुछ भी, ठीक है, कोई सा भी दे आपको, ठीक है। लेकिन अगर बात ये की जाए आपके सामने, वहाँ पर जैसे कि आप सिम कार्ड नया लेने जाते हैं तब मतलब आप एक चीज़ पे गौर नहीं करते हैं, जैसे कि आपका जो अंगूठा होता है, अंगूठा जैसे कि आपको बार बार मशीन में लगाया जाता है 10-12-15 बार, तो भाई वो लोग आपके साथ थोड़ा बहुत क्या होता है फ्रॉड भी कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे कि आपका जैसे कि एक नंबर मतलब कि आपके ID पर मतलब कि वो मतलब डाल दिया, मतलब उसका एक्टिवेशन कर दिया आपके ID के ऊपर, आधार कार्ड के ऊपर, लेकिन वो लोग आपके ID से 2-3-4 नंबर फेक मतलब आपकी ID से वो नंबर लिंक होते हैं, लेकिन वो लोग जो होते हैं अपने पास जो सिम कार्ड रख लेते हैं आपकी ID से वेरीफाई कराया हुआ नंबर रख लेते हैं, एक्टिवेट कराया हुआ, ठीक है, वो ये चुप्पा चोरी भैया आपके साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने या फिर इंडिया की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। अब देखिए, अगर मतलब कि अगर कोई अगर ऐसा अब करता है, अगर कोई भी डीलर, कोई सिम कार्ड बेचने वाला या फिर कोई भी रोड साइड में जो लगाने वाला सिम कार्ड बेच रहा है, भैया कुछ भी कर रहा है, अगर कोई भी ऐसा करता है इन दोनों में से, कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का VI जियो एयरटेल में कोई भी ऐसा करता है तो उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया जा रहा है और लगा जैसे कि मतलब कि और लग भी चुका है। कम से कम 66,000 ऐसे जो कुछ डीलर्स थे उनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगा था धोखाधड़ी के चक्कर में इस तरीके से। अब जैसे कि जो आप लोग जानते हैं कि भैया जो मतलब कि इस तरीके से जो बातें चल रही हैं आपकी, जो इंडिया के अंदर नया सिम कार्ड ले रहे भैया का दिमाग ख़राब हो जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए आपकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, आपकी सिक्योरिटी को, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, तो आपके लिए मतलब एक रूल निकाला गया है पुलिस वेरिफिकेशन का। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे कि होता है ना, जैसे कि जो आप मतलब कि जैसे आप जानते हैं पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने एक रीवेरिफिकेशन कराया जाएगा, आपका रीवेरिफिकेशन कराया जाएगा। जैसे कि आप कोई सा भी सिम कार्ड लें, एयरटेल जियो VI का कोई सा भी आप सिम कार्ड लें और उसके मतलब कि आप जैसे कि मतलब आप दुकान से लें या फिर आप रोड साइड से लें, वहाँ तो आपका जो वेरिफिकेशन कराया जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन आपको अपने फ़ोन में, जैसे कि आप नया सिम कार्ड अपने फ़ोन में डालोगे, ठूंसोगे, भैया सीधी बात है भाई डालना पड़ेगा सिम कार्ड, तुम चलाओगे तो फोन में डालोगे, कहाँ डालोगे, है ना।
आपको जैसे कि मतलब कि आपने जैसे कि एयरटेल का सिम कार्ड लिया, तो आपको अपने प्ले स्टोर से एयरटेल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस नंबर को जो भी आपने नंबर लिया सिम कार्ड का, वहाँ उसको लॉग इन करने के अंदर आपके सामने एक एक मतलब क्यूआर कोड का ऑप्शन भी आ सकता है, ऐसे गवर्नमेंट इंडिया बता रही है, जो कुछ जो रोल्स बता रही है इसलिए बता रहा हूँ, उसमें ऐसा आएगा कि भैया वहाँ पे आपका लिखा होगा पुलिस वेरिफिकेशन, इस तरीके से आपको क्यूआर कोड दिया होगा, या फिर मतलब जो भी मतलब आपके सामने यहाँ पे जो एक जो मतलब देखिए यहाँ पे मतलब आपको एक कैमरे का निशान छोटा सा दिया होगा, और आपको अपने आधार कार्ड को लेके आना है, आपको जो क्यूआर कोड होता है वहाँ पे इस तरीके से इसको स्कैन करना है, जैसे आप फोन पे वगैरह करते नहीं करते हैं, जो स्कैन रहता है उसको मतलब कि आपको वेरीफाई करने के लिए जबकि आपको री वेरीफिकेशन करने के लिए आपका जो होता है आधार कार्ड आपको सामने लेके आना है, और इस तरीके से आपको कर देना है, जो आपका क्यूआर कोड जो जो भी मतलब आप डिटेल्स होते हैं क्यूआर कोड में, आपके नाम पता जो भी आपके आइडेंटिटी जो भी होती है उसके अंदर आधार कार्ड के अंदर क्यूआर कोड के अंदर वो वेरीफाई किया जाएगा आपके फ़ोन से, तो इस तरीके से आपका री वेरीफिकेशन किया जाएगा, इसको आप बोल सकते हैं पुलिस वेरीफिकेशन, और ये पुलिस वेरीफिकेशन ही है, ठीक है। तो इस तरीके से बातें आ रही हैं। अब जैसे कि देखिए अगर आपसे बात की जाए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि अगर आप किसी से सिम कार्ड लेने जाते हैं, अगर आप किसी से नया सिम कार्ड खरीदने जाते हैं किसी भी डीलर से, तो पहले उससे पूछें क्या भाई तुम्हारे पास मतलब कि अगर तुम जाते हो किसी के पास सिम कार्ड लेने के लिए, जो कि आपका जी आई जो बी आई जो है आपका जियो है एयरटेल है, उससे ज़रूर पूछना क्या आपके पास लाइसेंस है जो आप जो बेच रहे हो सिम कार्ड को, या फिर किसी और की आईडी पे तुम सिम कार्ड बेच रहे हो, उससे ज़रूर पूछना, नहीं तो बाद में भैया लफड़ा हो सकता है तुम्हारे साथ। अब जैसे कि बात करते हैं भाई 66,000 जो डीलर्स थे भैया वो रो रहे हैं, सीधी बात है, 10-10 लाख का जुर्माना लगा भैया, मामला शांत कर दिया उनका भाई, मतलब जो फ्रॉड सिम कार्ड बेच रहे थे, फालतू के जो नंबर्स जो लोग बेच रहे थे, है ना, मतलब कि भैया आपकी आईडी ली किसी और का नंबर किसी और को दे दिया, सीधी बात है, इस तरीके से बातें। तो इस वजह से ऐसा ये री वेरीफिकेशन कराया जा रहा है, ठीक है। ये जैसे कि सभी के साथ लागू हुआ है, जियो के साथ एयरटेल के साथ या वीआई के साथ, सभी के साथ ये जो रूल है लागू किया गया है, ठीक है। अब जैसे कि आपको जो दूसरा अपडेट देते हैं, दूसरा अपडेट बहुत ही खतरनाक है भाई। देखो जो वीडियो बना रहे हैं और जो वीडियो यहाँ पे जो शूट हो रहा है आपके साथ, जो टैग कर सकते हैं जो कि ऊपर चैनल के ऊपर, तो इस वाले वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ, नहीं तो भैया पता नहीं कैसे क्या हो सकता है। अब जैसे कि देखिए दूसरा अपडेट ऐसा वाला है जो कि आपके लिए बहुत ही सही है, और मैं अभी आपको बताऊंगा ये पुलिस वेरिफिकेशन क्यों कराया जा रहा है, वो भी आपको बताऊंगा, वो भी बहुत ज़रूरी एक पॉइंट बचा है आपके लिए। अब जैसे कि दूसरा अपडेट आप सुन लीजिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई, जैसे कि आपके पास कोई नंबर पड़ा है पुराना वाला, लेकिन आपने उसमें 90 दिन तक आपने मतलब उसमें रिचार्ज नहीं कराया, इसको यूज़ नहीं करा, उसमें आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी, तो आपके जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जैसे कि आपका जैसे कि जियो का है एयरटेल का सिम कार्ड किसी का भी है, अगर आपने 90 दिन तक उसमें रिचार्ज नहीं कराया, मतलब कि उसने आप मतलब आपने उसने यूज़ ही नहीं करा, सीधी बात है, मतलब आपने उसको यूज़ नहीं करा, तो वो नंबर किसी और को दे दिया जाता था पहले, है ना, मतलब इस तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट इंडिया ने भैया इस पर रोक लगा दी है, अब आपका नंबर किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे भैया नंबर 1 साल से बंद रहे, चाहे भैया 2 साल से बंद रहे, ठीक है। तो ऐसी तरीके से भैया बातें निकल के आ रही हैं, क्या कह रहे हैं ऐसी बातें। अब देखिए पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए कराया जा रहा है कि आप लोग जानते हैं कि भाई आपके पास कोई फ्रॉड जो कॉल्स आते हैं, मिस कॉल्स कोई करता है, कोई भैया मैसेज भेज रहा है भाई लॉटरी जीत लें और ये आपका कूपन लगा है और आपका भैया लोन मिल रहा है कम इंटरेस्ट में मिल रहा है, भैया इंटरेस्ट दो ही मत लोन ले लो, इस तरीके से बातें। यार भैया कोई प्लॉट बेच रहा है भैया मतलब कि बहुत कम रेट में ले लें, इस तरीके से बातें, जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं आपके पास, मैसेज आते हैं आपके पास, इन सभी को रोकने के लिए आपके लिए आया पुलिस वेरीफिकेशन, जो कि आप अपना वेरीफिकेशन अपने फ़ोन से ही करा सकते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट है। और आपका जैसे कि देखिए अब देखिए इससे मतलब कि आपकी एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है, आपकी एक प्राइवेसी पॉलिसी में थोड़ा चेंज हो जाता है, जो कि आपकी सिक्योरिटी जरूरी है, सिक्योरिटी जो कि आपकी सिक्योरिटी भी मतलब थोड़ा बहुत जरूरी है, सीधी बात है। अब ये जरूरी इसलिए है, जैसे कि अगर बात की जाए, अगर आप मतलब कि किसी आप दुकानदार के पास गए, ठीक है, अगर उसने धोखे से मतलब कि आपके साथ मतलब कि फ्रॉड करने की कोशिश करी, जैसे कि आपने मांगा 1 नंबर लेकिन आपके आईडी पे उसने 2 नंबर कर दिए, रजिस्टर कर दिए, ठीक है, आपके आधार कार्ड पर, लेकिन अगर वो अगला जो जो मतलब कि जो दुकानदार होगा वो मतलब वो नंबर जो होगा आपके आईडी वाला, मतलब एक तो अपने पास रख लेगा, एक तुमको दे देगा, भैया जाओ तुम्हारा चालू हो गया, जाओ मौज मस्ती करो, जाओ जाओ मजे लो इंटरनेट के, और रात में जाओ देखो जाके, और GF से जो भी मामला है अपना कंप्लीट करो जाके, है ना, तो इस तरीके से जो बातें हैं। लेकिन अगर जो दूसरा आपको सिम कार्ड मतलब वो अगर बेचता है किसी और को, अगर वो जैसे कोई सिम कार्ड बेचता है लेकिन वो सिम कार्ड अगर कोई और भी खरीद लेता है आपकी आईडी वाला सिम कार्ड,
जो आपकी आईडी से वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन उसके जो फ़ोन में भी वो सिम कार्ड नहीं चलेगा। लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब चलेगा ही नहीं, लेकिन चलेगा वो कुछ टाइम चलेगा, लेकिन वहाँ पे आपका जो आपकी जो आधार कार्ड का जो ऊपर वहाँ पे लिख के आएगा रीवेरिफिकेशन करें, जैसे मैंने भी आपको आगे बताया था ना ऐप के अंदर आता है, ठीक है, तो ऐसा ही उसके साथ भी आएगा। तो क्या होगा इससे, मतलब वो नंबर बंद हो जाएगा और आपकी जो आईडी है, जो भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आधार कार्ड की, जो मतलब वो मतलब पूरी आप जो कि मतलब पूरी जो है आपके थोड़ा मतलब कि सेफ रहेगी, इस तरीके से बातें हैं। और मैंने आपको बता दी ऐसी बातें। आप जैसे कि बात करते हैं व्हाट्सएप जो बैन काफ़ी सारे अभी इंडिया में हो रहे हैं, अभी इंडिया में कम से कम 66,000 व्हाट्सएप बैन हो गए हैं। कभी क्यों हुए हैं ये तभी हुए हैं फ्रॉड कॉल मिस कॉल से, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजना गलत तरीके से। चाहे जैसे कि आप जो भी मतलब कि आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या चलते हैं, आपको लॉटरी लग रही है, टिकट नंबर लग रहा है, कुछ लग रहा है, इस तरीके से बातें आपके सामने आते होंगे। KBC जीत लें भैया, 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। तो ये सब फ्रॉड मतलब कि रोकने के लिए इंडिया के जरिए कम से कम 66,000 जो हैं व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस वाले वीडियो में जानकर कि हमने क्या बताया आपको। और इस वाले वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर वो नया सिम कार्ड लेने जा रहा है भैया, भागते दौड़ते हुए चुप्पा चोरी मतलब कि जा रहा है भाई, चुप्पा चुप्पा जाएंगे सिम कार्ड लेके आएंगे, रात में मौज मस्ती करेंगे क्या कहने जा रहे हैं जी वगैरह मामला वगैरह इस तरीके से हैं, तो भैया उनको यार वीडियो भेजना, नहीं तो भाई बाद में लफड़ा हो जाएगा। तो भाई समझ सकते हो तुम बात, है ना। तो इस तरीके से बातें आपको बताई भैया, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी हो रहा है भाई तुम्हारे लिए, भाई तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, और इस तरीके से बातें बताई तो आपको जान सकते हैं। इस वाले वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में फैला दो वीडियो को, काफ़ी लोग जान पाए भाई कि आपको टैग कर सकते भैया ने वीडियो बनाया और आपको दिया, और आपको मतलब थोड़ा भैया कि मतलब कि भैया आपको थोड़ा सावधान कर दिया। सीधी बात है, इस तरीके से बातें हैं, ठीक है, चलिए देखते रहिए।